मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरे गांव का नाम राजनपुर है। हम तीन बहनें और तीन भाई। मेरी वाला हम बचपन में मैं थी जब फोत हो गई थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। भाई खुद स्कूल चले जाते थे तो मैं बड़ी थी, घर संभालना पड़ता था। अखबार भी पढ़ती थी, तस्वीरें देखती थी, साथ लिखे होते हैं उनके इशू लिखे होते हैं, ये तस्वीर का ये वाला इशू है, तो वो मैं देखती थी। पता नहीं अब क्या लिखा है, कोई आता भाई आता उससे पूछती ये क्या लिखा हुआ है, तो भाई ने बताना हाँ ये लिखा हुआ है, इस तस्वीर का ये मसला है, इस तस्वीर का ये मसला। अखबार इकट्ठे करती रहती थी, तस्वीरें इकट्ठी करती रहती थी। टीवी देखना तो कमर्शियल आते कहने पता नहीं ये क्या लिखा है, तो भाई कभी छोटे से कभी बड़े से पूछते, कहते यही खुद पढ़ना आता होता तो किसी से पूछना तो ना पड़ता। तो मेरी शादी होगी 17 साल की उम्र में ज़िला कसूर में। उसके बाद मेरे बच्चे हुए, तो बच्चों को मैंने स्कूल दाखिल करवाया TCF में। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी ना तो टीचरों को देखती थी, खुश होती थी कि ये भी औरतें ही हैं ना पढ़ी लिखी, तो मैं क्यों नहीं पढ़ लिख सकती। मुझे पता चला कि वहाँ जो घरेलू औरतें हैं उनको पढ़ाया जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने वो वाली क्लासें अटेंड की हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना लिखना आ गया। फिर मैंने 3 माह की क्लासेस ली हैं, अब मैं सब कुछ पढ़ लिख सकती हूँ आगाही की वजह से। ससुराल में जो मेरी जेठानियाँ हैं ना, वो पहले तो कहती थी कि नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। चलो मेरे मियाँ ने मेरा साथ दिया, मैं पढ़ी, तो अब उनका दिल करता है भी वो भी पढ़ें। तो अब बच्चों को जब पढ़ाती हूँ उर्दू बोलती हूँ बच्चों साथ, उनको अच्छा लगता है ये उर्दू बोलती, हम क्यों नहीं उर्दू बोल सकते। हाँ गाही की क्लासेस शुरू की तो बच्चों का ज़्यादा मसला था ना कि ससुराल वाले कहते लै पढ़न जाएगी तो बच्चे कौन संभालेगा। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र उन्होंने टाइम ही ऐसा फिक्स किया कि बच्चे स्कूल से आकर ट्यूशन चले जाते थे, तो मैं उस टाइम के दौरान मैं खुद भी पढ़ लेती थी। मियाँ खुश होते हैं, कहते हैं चलो ऐसे बहाने बच्चों ने भी पढ़ा लेंदी तो आप भी पढ़ लेंदी। हाँ जी, बच्चों की बुकें लेके बैठ जाते हैं, अब दसो तुहाड़ी माँ ने की पढ़िया तो तुहानू भी पढ़ावे नाल। जो जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ औरतों को बाहर नहीं निकलने देते, तो मैं आगाही की वजह से बाहर निकली, तो मैं बाहर जाना शुरू हुई हूँ, तो अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर सकती हूँ सारा कुछ। के बच्चों का पूछती हूँ जाके, मेरे बच्चे पढ़ते हैं सही पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, या मैं उनको ये वाला काम करवा सकती हूँ या नहीं करवा सकती, तो इस वजह से मैं अब अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकती हूँ।